डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। दूसरे चरण के मतदान के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है, घर घर जाकर प्रचार अभियान भी किया जा रहा है। हमारे साथ हैं रामा सिंह जी, आरजेडी के नेता, इनकी पत्नी इस बार खड़ी है महनार विधानसभा सीट से। क्या लग रहा है आपको पूरे इलाके में, किस तरह से दिख रहा है आरजेडी का? आरजेडी का सिर्फ महनार विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक आंधी और लहर है, जो परिवर्तन की लहर है पूरे बिहार में है, और महनार जो है उसका केंद्र बिंदु है, जो एक ऐतिहासिक परिणाम जो है देगा, पूरे बिहार को एक संवाद देगा। आपके आने को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही थी, तो आखिर वजह क्या है? आपके आने से आरजेडी को ज़्यादा फायदा हो रहा है, 8 सीटें जो है? देखिए, जो पार्टी की विचारधारा होती है उसको लोग फॉलो करते हैं, और हम लोग लगातार जो है रहे हैं पार्टी से जुड़े हुए, और आज 5-6 वर्षों से लगभग लगातार हम आरजेडी के विचारधारा से जुड़े हैं। इसके पहले हम अलग थे, लेकिन 5 वर्षों से हम हैं जुड़े हुए, और कौन आ रहे हैं, कौन विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी परवाह हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है ये सब लोग खड़े हैं, वो बुनियाद रहा है मेरा। तो कौन व्यक्ति कोई विरोध करता है या कोई उस तरह के राजनीति करने वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं, उसकी परवाह हम नहीं किए, कभी भी नहीं किए हैं, और मेरे समझ से उसका कोई असर, एक लेस मात्र भी कहीं कोई असर जो है नहीं। जेडीयू और बीजेपी लगातार आप पे हमलावर होती रही है, आपके बारे में हमेशा से यह चर्चा करती रही है कई मंचों पे कि भाई क्राइम की दुनिया से निकले फिर सियासी शहर में आए, और आपकी वजह से नाराज़गी रघुवंश प्रसाद सिंह जी को हो गई। देखिए, अब नाराज़गी किसी व्यक्ति को नाराज़गी है और क्यों है, क्योंकि हमारी प्रतिद्वंदिता रही है 30 वर्षों से, हमारी प्रतिद्वंदिता रही है यहाँ, जब वो थे यहीं पे, यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं, तो प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है, और बाद बाकी कौन क्या बोलते हैं, हमको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जिनका प्रमाण पत्र चाहिए वो हमेशा हमको देते रहे। आखिर वजह क्या थी? लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई आपसे क्यों नाराज थे इतना ज़्यादा रघुवंश प्रसाद सिंह, हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन एक चर्चा थी बहुत, पूरा सियासी चर्चा थी पूरे बिहार में चुनाव के पहले। देखिए, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है, और चुनाव जीतना हारना, तो हमसे 90 में भी चुनाव मेरे कारण वो हार गए, उनके कुछ परिवार के लोग थे वो हार गए 90 में, फिर 2014 में मैं लोकसभा का लड़ा, उस समय भी चुनाव हमसे हार गए, तो ये सब बातें हो सकता है, मैं तो कभी उसको उसका मंथन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही सब नाराज, और व्यक्तिगत तो हमारी कोई नाराज़गी जो है नहीं रही है, और कभी हमने अमर्यादित शब्द का भी कभी इस्तेमाल तक नहीं किया है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति नाराज होता है तो उसमें हमको कुछ नहीं। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? बिहार में तमाम जो कुशासन है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे जो बिहार जो है आज, स्वास्थ्य का है, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बिहार जो है पिछड़ता जा रहा है 15 वर्षों के शासन काल में, कहने के लिए सुशासन, लेकिन पूरा कुशासन और अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर परिवर्तन की जो यात्रा है उसमें मैं शामिल हूँ, और निश्चित रूप से जो 10 तारीख का परिणाम आएगा वह परिवर्तन की ओर जो है, पहले चरण का ही चुनाव जो है वो संकेत दे रहा है कि परिवर्तन बिहार में लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आए हैं, तो आपको लगता है कि लोग उनकी बातों पे आएंगे? देखिए, जितना माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना झांसा देश के नागरिक को देना था वो दे चुके हैं, अब उनके झांसे में कोई आने वाला नहीं। तेजस्वी जी को क्या देखते हैं आप, क्योंकि उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, मंच तक भी वो जाने में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दिक्कतें आती है, क्या दिखता है आपको उनके बारे में? बिहार में नौजवानों का, किसानों का, गरीबों का भविष्य है, और बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है। देखिए, ये थे हमारे साथ रामा सिंह जी, जो पूरी तरह से उत्साहित है, और महनार के साथ साथ जो 8 सीटें हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो आरजेडी के झोले में आएगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, महनार बिहार तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।